अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुलरहमान है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल सिंध बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के सेक्रेटरी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें सिंध भर के जितने भी एजुकेशनल बोर्ड हैं, जिसके अंदर कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड और सखर बोर्ड शामिल है, इन तमाम ही एजुकेशनल बोर्ड्स को ये डायरेक्शंस दी गई थी कि वो मैट्रिक यानी 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स 16 और 17 मार्च से जो उन्होंने डेट शीट जारी की है उसी के मुताबिक ही करवाएं। लेकिन आज सिंध भर के 9th और 10th क्लास के 2020 के एग्ज़ाम्स के हवाले से एक नई खबर आ चुकी है। वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इसी खबर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन रिजल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से आज अखबार के अंदर एक ख़बर शाया हुई है मैट्रिक के एग्जामिनेशन के हवाले से, जिसकी कटिंग हमने यहाँ पे हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं, आपको मुकम्मल ख़बर पढ़ के सुनाते हैं। आल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली और दीगर मरकज़ी रहनुमाओं ने कहा है कि अभी तमाम तालीमी इदारे 15 मार्च तक मुकम्मल तौर पर बंद हैं, इसलिए सिंध के महकमा बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से 16 मार्च से मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू करने के ऐलान पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है। एडमिट कार्ड्स का वसूल और तलबा में तकसीम करना है। इम्तिहानी मरकज़ वाले स्कूल्स भी इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सकते, लिहाजा सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात 25 मार्च से शुरू किए जाएँ ताकि कबल इम्तिहान के तमाम कामों को इत्मीनान से मुकम्मल किया जा सके। रहनुमाओं ने वज़ीर आला सिंध और मशीर बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ निसार खोड़ों से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर इम्तिहानात का शेड्यूल अज़सर नो तरतीब कराएं या फिर कोरोना वायरस से मुतालिक तसली बख्श रिपोर्ट्स आने पर तमाम तालीमी इदारे 9 मार्च बरोज़ पीर से खोलने का ऐलान किया जाए। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि ये अखबार के अंदर आज खबर शाया हुई है। आल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जानिब से ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वज़ीर आला और बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन से ये मुतालबा किया गया है कि मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं वो 25 मार्च तक जो हैं वो मुलतवी 25 मार्च तक कराए जाएं, क्योंकि स्कूल जो हैं वो ओपन नहीं है, एडमिट कार्ड्स का मसला है और सेंटर जो आपके बनने हैं स्कूल्स के अंदर उनकी भी तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकी है। इस वजह से जो है वो मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं वो 25 मार्च से शुरू किए जाएं, ये रिक्वेस्ट की है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये की है कि अगर आप 16 मार्च से एग्ज़ाम्स करवाना चाहते हैं सिंध भर के अंदर मैट्रिक के, तो स्कूल्स को पहले खोला जाए, यानी ये जो छुट्टियां 16 मार्च तक आपने दी हैं उनको ख़त्म करके 9 मार्च तक कर दिया जाए ताकि 9 मार्च से स्कूल खोले जा सकें और तलबा व तालिबात के अंदर एडमिट कार्ड जो हैं वो तकसीम कराए जा सकें और उनकी तैयारी भी करवाई दी जा सके। तो दोस्तों ये दो ऐलानात हैं, एक तो 25 मार्च से रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मैट्रिक के इम्तिहानात कराने की, और दूसरा 9 मार्च से जो है वो स्कूल्स खोले जाएं ताकि तलबा व तालिबात को तैयारी भी करा सकें और अपनी भी तैयारी कर सकें, क्योंकि अरेंजमेंट्स होते हैं सेंटर्स, आपके रूम्स वगैरह सारी सेटिंग्स करनी होती है इम्तिहान के हवाले से और तलबा व तालिबात को एडमिट कार्ड दिए जा सके। तो ये दो रिक्वेस्ट आज की हैं आल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जानिब से। अब देखना ये होगा कि हुकूमत सिंध और बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर इसके मुताबिक कोई नई अपडेट आती है तो वो भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर पता चल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा मकसद यही है कि हम आपको पल पल की खबर देते रहें, जो भी अपडेट्स नहीं आती हैं, जो बाज़ों का तलबा व तालिबात को पता नहीं चल सकती, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि ये भी डेवलपमेंट आज हुई है। लेकिन ये ऐलान आज ये नहीं हुआ कि आपके इम्तिहानात 16 मार्च से मुलतवी कर दिए गए हैं या नहीं, अभी तक यही अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, जो कल ऐलान किया था बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन के 15
मार्च से ही आपके इम्तिहान मैट्रिक के सिंध भर के अंदर होने हैं। तो देखना ये होगा कि आगे जाके ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अपडेट भी स्टूडेंट्स को पता चल सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।